सुप्रीम कोर्ट में चल रही बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुद्दे की सुनवाई के आखिरी दिन इस पूरे केस में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। इस मुकदमे में हिंदू पक्ष के विपक्षी और इस मुकदमे के मुख्य पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मुकदमे से अपना दावा ही वापस लेने का हलफनामा कोर्ट के सामने दाखिल कर दिया। मुकदमा वापस लेने के हलफनामे के बाद अयोध्या में साधु संतों व पक्षकारों की प्रतिक्रिया आई। वहीं बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुकदमा वापस लेने की जानकारी उन्हें मीडिया से ही हुई। अगर ऐसा होता भी है तो यह सुन्नी वक्फ बोर्ड का निर्णय है। हम शुरू से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय देगा हम उसे स्वीकार करेंगे चाहे जो भी हो, और इसके अलावा किसी और बात पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। रही बात आपसी सौहार्द की, तो अयोध्या में हमेशा प्रेम भाव बना रहे और यहाँ आपसी सौहार्द कायम रहेगा। और मुझे विश्वास है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, सब कुछ अच्छा चल रहा है और कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली। सरकार की नज़र उन पर भी है जो गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं और उन पर भी है जो शांति व्यवस्था बहाल कर रहे हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि विवाद परिषद में विराजमान रामलला के मुख्य पुजारी अच्छा सत्यदेव दास ने कहा कि उस समय भी प्रयास किया गया था कि आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए उस भूमि पर रामलला का अधिकार स्वीकार करते हुए मुस्लिम पक्ष अपना दावा वापस ले ले, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। आखिर आज यह हलफनामा देने से क्या फर्क पड़ने वाला है? फिर भी अगर उन्हें लगता है कि मुकदमा वापस लेना चाहिए तो यह अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके बदले में किसी समझौते की बात नहीं होनी चाहिए। यह सभी को पता है कि गवाही और सबूतों के आधार पर अब फैसला रामलला के पक्ष में ही होने वाला है। ऐसे में इस मुकदमे पर हर हाल में निर्णय आना चाहिए। देखिए, जो चर्चा में नहीं है, चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यदि सही रूप है कि उन्होंने अपने केस को वापस लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों ये सारी समस्याएं, यदि कोर्ट ने या सुन्नी सेंटर बोर्ड ने अपना केस वापस लिया तो सब कुछ जो होना चाहिए था आपसी भाईचारा बन गया, और साथ ही साथ यह इसे निस्तारण करने का कोर्ट को कोई परेशानी नहीं होगी और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कर देगा। क्योंकि जब एक पक्ष अपना कोर्ट अपना बात वापस ले लिया तो इसके बाद में इसको सरलता से निस्तारण करने में कोर्ट को कोई परेशानी नहीं। इकबाल अंसारी नहीं माना है इस बात को। देखिए, वो अपनी अपनी बात है, अपनी अपने अपने ढंग से लोग कहते हैं। एक चैनल पर उन्होंने बोला कि हम स्वागत करते हैं, कोर्ट जो भी कहे कि उसका स्वागत करते हैं, और यदि यह सही बात हुआ है, यानी सुन्नी सेंटर बोर्ड ने ले लिया है अपना केस वापस, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी और ये भाईचारे की बात होगी, आपसी समझौते की बात होगी और किसी प्रकार का कोई भी पूरे देश में विवाद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस रूप से इसकी सुनवाई शुरू किया वह पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ मैं कि यह जो भी आदेश आएगा वह रामलला के पक्ष में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई करके इसका निस्तारण करने का साहस किया और साथ ही साथ यह निश्चित किया कि 17 अक्टूबर तक सारी दलीलें समाप्त हो जाएंगी, तो सारी दलीलें समाप्त हो गई हैं, अब केवल आदेश करना है। अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कब आदेश पारित करे, और मैं समझता हूँ कि दीपावली के आसपास इसका आदेश भी आ जाएगा और भव्य दिव्य दीपावली तो यहाँ मनाई जा रही है, साथ ही साथ पूरी अयोध्या केवल दीपावली नहीं, होली दीपावली दोनों एक साथ मनाएगा, अबीर गुलाल भी चलेंगे और उसके बाद साथ ही साथ दीपावली भी होगी, और सारे जितने भी मंदिर हैं सब सजाए जा रहे हैं और इसकी पूर्णतया दीपावली भव्य रूप। देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो दावा छोड़ने की बात आ रही है ये अभी कोर्ट में नहीं दिया गया है, और ये केवल जो है खबर ये आ रही है कि पंचोराम जज साहब जो उससे पहले पैनल में थे, ये दरखास्त लोग जो है उनके पास लेके गए या नहीं गए, अभी इसकी भी सच्चाई नहीं है। और को जो है सुप्रीम कोर्ट से अभी मीडिया के ही लोगों ने पता क्या है, क्योंकि वहाँ कोई दरखास्त पड़ी ही नहीं, कोर्ट अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपनी सुनवाई कर रहा है, हिंदुओं को सुन रहा है, मुसलमानों को सुन रहा है। हम लोग इससे पहले भी कहते आए हैं, आज भी कहते आए हैं कि जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हम मानेंगे, फैसला चाहे जो हो। अयोध्या का जो है जो माहौल है, जो यहाँ का मसला है, इसको शांति से तय होना चाहिए और जो भी फैसला आए लोग उसको आपस में जो है मिल बैठ के माने। ऐसे ही माना जाता है।